हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। ये चैप्टर जो है वो टू पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, एक सब प्रोग्राम है और दूसरा फाइल हैंडलिंग है। तो सबसे पहले हमारे पास है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है जी, कि अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना सब प्रोग्राम या फिर मॉड्यूल कहलाता है। अब सब प्रोग्राम या फिर मॉड्यूल जो है वो दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक होता है बिल्ट इन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। अब बिल्ट इन को इंट्रिंसिक लाइब्रेरी या फिर स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इंट्रिंसिक फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय दी बेसिक, यानी कि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि बेसिक लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रही होती है। बेसिक लैंग्वेज जो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो मॉड्यूल प्रोवाइड करती है, वो जो होते हैं वो बिल्ट इन लाइब्रेरी, इंट्रिंसिक या फिर स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, जो कि प्रोग्रामर को अलाउ करते हैं कि वो उस फंक्शन को यूज़ करते हुए कोई ना कोई क्राइटेरिया या कोई ना कोई जो टास्क है वो परफॉर्म कर सके। और यूज़र डिफाइंड जो होते हैं वो यूज़र खुद बनाता है, यानी कि यूज़र जो है या प्रोग्रामर जो है वो किस लिए बनाता है, ताकि कोई टास्क जो है वो अकम्प्लिश हो सके, यानी कि कोई पार्टिकुलर टास्क जो है वो कंप्लीट हो सके। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसलिए बनते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें के स्टैंडर्ड फंक्शंस कहते हैं या फिर लाइब्रेरी फंक्शन या फिर इंट्रिंसिक फंक्शन कहते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं बिल्ट इनटू द लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड बाय कॉलिंग देम। मतलब ये लैंग्वेज में पहले से बने होते हैं, सिर्फ हमने इनको कॉल करके जो है वो यूज़ करना होता है। बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन आर डिवाइडेड इंटू टू जनरल कैटेगरीज, इसलिए सिर्फ दो जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है न्यूमेरिक और दूसरी होती है स्ट्रिंग। यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं, जिन्हें हमने सिर्फ कॉल करना होता है, उनके नेम से कॉल करना होता है हमने, जो भी फंक्शन जिस भी नेम से बना हुआ है उसके नेम से कॉल करना होता है हमने और उसको यूज़ करना होता है। अब हमारे पास ये टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक होती है न्यूमेरिक फंक्शंस और दूसरे होते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। यानी कि न्यूमेरिक फंक्शंस जिन पे सिर्फ नंबर्स वाली, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाली, जो नंबर्स वाली हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, और स्ट्रिंग वो होंगे जिनमें हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स यूज़ कर रहे होंगे। तो ये दो तरह के फंक्शन जो है वो अब आगे डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, इसको किस कैसे हमने परफॉर्म करने, और इनमें से कौन कौन से जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये सारे जो है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।